हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। इंटीग्रल्स के दो क्वेश्चन मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन थे। आज भी आई थिंक मैं 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा इंटीग्रल्स के। इन्हें समझ लें जरा, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में एकदम पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूँ कि उस समय अगर आपने पढ़ा भी क्यों ना हो सकता है नहीं कर पाओगे आप, अगर आपने देखा नहीं है तो। चलो देख लो, देख लें जरा। थर्ड क्वेश्चन, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स फोर प्लस वन रेस टू द पावर 3/4। इंटीग्रल बताना है इसका, इंटीग्रेशन करना है इस इंटीग्रल का, ठीक है। अब बताइए क्या क्या होगा इसमें, ठीक है ना। पहले कोशिश जरूर करना एक बार, मैं फिर आगे की बात बताता हूँ। देखो, इसको देख कर ना मुझे ऐसे समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली ट्रिगोनोमेट्री रखने से होगा, सब्सटीट्यूशन से, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से, क्योंकि ना ये कहीं ना कहीं 1+ something का स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये 1+10²θ बन सकता है। क्वेश्चन होगा ऐसे ही, आपने पढ़े हैं पहले भी क्वेश्चन, मुझे एक्जैक्टली अभी याद नहीं कि वो एक्सरसाइज कौन सी है, लेकिन करते थे ना वहाँ पर, कभी सब्सटीट्यूट कर देते एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा, ऐसा वाला वैसा ही है। अगर मैं जैसे जैसे करता रहूँगा आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन मैं आपको पूरा सजेशन देना चाहूँगा एक बात का कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर ले तरीके से, सिर्फ क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि आंसर तो आप तुरंत कर देंगे उसके बाद, सॉल्यूशन नहीं करने की याद करने की जरूरत है। उस समय पैटर्न नहीं आता ना, स्ट्राइक नहीं होता माइंड में कि करना क्या है आकर, वरना तो आप कर लोगे अगर आपको एक लाइन पता चल जाए। वो लाइन ये है कि अगर स्टूडेंट आप x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 थीटा सपोज करते हो, मैंने स्क्वायर रूट 10 थीटा इसलिए सपोज किया ताकि ये चीज 10 स्क्वायर थीटा हो सके, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि x की पावर 4 क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 10 थीटा का स्क्वायर रूट का मतलब 10 थीटा की पावर हाफ है ना। मैं कह रहा हूं यहां 4 लिया तो यहां भी पावर 4 होगी, तो ये कितना हो जाएगा 10²θ। ये 10²θ होना चाहिए ना, ये तभी 10²θ हो पाएगा। आप या तो करके देख लो कि 10²θ x4 के इक्वल होगा तो x क्या होगा, तो पता चल जाएगा x ही होगा, तो समझ में आ जाएगा कि x ये रखना है। फिर आगे आपको नहीं सोचना, आगे आपको नहीं सोचना कि आगे का पूरी कहानी है कि अब क्या होगा, अब करते रहो बस काम। समझ में आ गया कि एक राइट सब्सटीट्यूशन पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सही रहेगा। अभी dx ले लो, डिफरेंशिएट कर लो, 10 इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/2 10θ की पावर माइनस हाफ है ना, x की पावर n n माइनस वन वाले फॉर्मले से हो गया, एन एक्स एन माइनस वन वाले फॉर्मले से हो गया हाफ माइनस वन, और 10θ का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा डिफरेंशिएशन तो वो कितना होता है sec²θ और dθ, करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है। तो dx स्टूडेंट्स आपके पास निकल कर आया हाफ स्क्वायर रूट 10θ और sec²θ dθ, ये आपके पास निकल कर आया, ठीक है ना। अब इसको आगे हमें पहुंचाना है, इसी से आगे काम करना है। ये dx आ गया, सारी वैल्यूज यहाँ रखना स्टार्ट करो x की और dx की। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल हमारा निकल कर आ रहा है, dx की प्लेस पे आप बोलेंगे sec²θ dθ और अपॉन में ये है 2 × √10θ, ये तो dx की वैल्यू रख दिया आपने। अच्छा, x फिर और क्या क्या आपके पास दे रखा, आपको दे रखा x2, x2 का मतलब बस ओनली 10θ। ओहो, x कितना हो गया 10θ, ठीक है ना, ठीक है। अभी अंदर की क्वांटिटी मैंने आपको दिखाया कि x4 मैंने आपको दिखाया 10²θ की, अभी हमने बात करना स्टार्ट किया, तो 10²θ + 1 = sec²θ, समझ गए, नहीं लिख रहा अलग से, सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि sec²θ बन गया और उसकी पावर 3/4। देखो, मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, वो बताऊँ क्या, आप रखना लिखते समय थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना, जैसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन सबको अलग से लिखो और dx की वैल्यू जहाँ पर आएगी ना उसे dx की वैल्यू को आराम से रख कर दिखाओ कि भाई ये dx की वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर आराम से, और बाकी जो बचा तो एक तरफ लिखना, कोई बात नहीं। अभी आप मेरे साथ लाइव देख रहे हो तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये है बस, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, अब कुछ भी नहीं रह गया क्योंकि हम समझ गए कि बहुत अच्छा काम हो गया, अभी 10θ, ये 10θ, sec θ, ये सब कुछ बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। हमने सोचा कि भाई ये sec²θ यहाँ बना हुआ है और 3/4 पावर है, 10θ है और ये √10θ है, यानी इसका मतलब, अच्छा ठीक है, 10θ की पावर कितना हो गया, हाफ हो गया, इस 10θ की पावर, सॉरी, ये 10θ की पावर 1 है, इसका पावर कितना हो गया, हाफ हो गया, तो 1+2 कितना होता है 3/2 होता है, करते हैं एकदम। i इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास निकला 1/2, और यहाँ से एक बात और समझ लो, अगर समझ सकते हैं तो यहाँ देखेंगे sec²θ, इसका आपस में लिंक कर लेते हैं, यानी उस sec²θ को मैं एक बार नीचे ले आता हूँ उठा के, ऊपर सिर्फ dθ ही dθ बचाता हूँ। देखो, इन दोनों का तो क्या हो गया 1+2 3/2, तो 10θ की पावर 3/2, ये तो यहाँ ऐसा हो गया, ठीक है। अभी sec θ के साथ खेलते हैं जरा, कितना हो गया इसके, ओहो अच्छा, ये sec θ नहीं है, sec² है, यानी ये 2 की पावर को क्या कर लेगा, 2 कर लेगा,
स्क्वायर था ना वो सेक स्क्वायर, 1 + 10² सेक स्क्वायर होता है, तो ये 3/2 हो गई पावर। या अच्छा, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई, दोनों की पावर 3/2 हो गई, तब तो फिर सही हो गया ना। ऊपर का एक सेक स्क्वायर थीटा बचा है, उसको लिख लेता हूँ, देख लीजिए आराम से, कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखें 2 पावर में कैसे बचा था, क्योंकि 1 + 10² थीटा हुआ था ना, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो फिर 2 ने इसको कट के 3/2 हुआ, ये भी नीचे 3/2 हो गया। अब देखने से एक अच्छा सा रिलेशन सा दिख रहा है कि दोनों के दोनों 3/2 पावर रख रहे हैं, तो अच्छा काम हो सकता है। एकदम जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना, बोल रहा हूँ एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हाफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखना आराम से 10, ये कितना हो जाएगा, मैं ऐसे बोल दूँ इसे दोनों को पावर को कंबाइन कर लेता हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न पर करना क्वेश्चन, क्योंकि ना हमारे पास अभी 2-4 तरीके और हैं इधर उधर से जाने के, है ना, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो उसमें आप, इसलिए एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ कि ये करो, चाहे तो आपको स्टेप को याद ही क्यों ना करना पड़ जाए, कर लो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ऐसे ही होगा करने से, 2-3 तरीकों, किसी को लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं होगा वैसे, लेकिन उलझ जाओगे, अगर कर सकते हो आराम से जा सकते हो, वापस आने की इतना है आप पर हिम्मत, तो जाकर आए वापस कर कर आए इसे दूसरे तरीके से, आई इज इक्वल टू, वरना कंफ्यूज मत करें अपने आपको, क्योंकि आराम से हो रहा है। 1/2 देखो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये देखो मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना जरा, देखते रहना बस। 10 थीटा को मैंने क्या बोला, sin थीटा अपॉन cos थीटा, गलत तो नहीं है, sec थीटा को sec थीटा बोले रखा, और 3/2 देखना कितना बढ़िया काम हो गया यहाँ से, ऐसे करोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखना कोई भी, कभी आपने टॉपर कॉपी अगर देखी हो ना, टॉपर शीट जो आती है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ हटा दूँ इसे यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना x इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट किया, तो उनकी कॉपी में देखना जरा, एक तो उनकी उस कॉपी में कट फिट कम होती है, दूसरी बात उनकी उसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ें लिखी होती है, स्टैंडर्ड मतलब इधर उधर की फालतू बातें नहीं, मतलब लगता है कि हाँ लिखा तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसने सोचा कैसे ये, कोई नहीं सोचता, प्रैक्टिस का काम है, ठीक है ना, प्रैक्टिस का काम है, उन्होंने पहले देखा है वो क्वेश्चन, उन्हें पता है, अरे कोई स्पेशली याद करके नहीं गए वे क्वेश्चन को, हल्का सा ले लिया ओवरव्यू कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, बस हो गया काम। आई इज इक्वल टू, जिसको लग रहा है एक बारी में नहीं हो पा रहा उनसे, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, देखना पक्का हो जाएगा। ऊपर sec स्क्वायर थीटा उसे ऐसी रहने दो, ठीक है, ये 1/cos थीटा है ना एक तरह से, तो ये sec थीटा हो जाएगा ऊपर आके, तो इस sec थीटा के साथ ही sec स्क्वायर हो जाएगा, और यही मेन काम था, इसीलिए 10 को बदला भी गया था, बताता हूँ क्यों बदला गया था। देखो जो 1/cos थीटा है ना यहाँ से, ये sec थीटा हो गया, तो sec और एक और sec कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा, और इस होल की पावर 3/2 है, यही मेन काम था कि ये sec का ये पावर 2 आपस में कैंसिल होंगे, निकल जाएगा बाहर, यही मेन इसका लॉजिक था वो करने का। sec स्क्वायर थीटा ऊपर का तो रहने दिया मैंने d थीटा बनाकर, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, sin थीटा की पावर 3/2 तो रहा उसके साथ, लेकिन जब ये sec स्क्वायर थीटा की बारी आई 3/2 की, तो इसके 2 ने इसको कैंसिल कर दिया होगा, और वो ऊपर सिर्फ sec क्यूब थीटा बचा होगा, यानी sec क्यूब थीटा बचा, इनका आपस में अच्छा सा काम हो सकता है, ये sec स्क्वायर कट जाएगा इसके क्यूब से, तो ऊपर सिर्फ एक sec थीटा बच जाएगा नीचे पे, चाहो तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि 1/sec थीटा हम जानते हैं cos थीटा होता है ये, और नीचे अब तो आप कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, अब तो सबको समझ में आ गया, यहाँ से आगे हर कोई कर लेगा, sin थीटा को t सपोज कर लो, ऊपर अलग dt हो जाएगा, बात खत्म, कर लेता हूँ लेकिन उसे, ठीक है ना, ये बिल्कुल एकदम करो इसे, हर हालत में करो इसे, ठीक है ना, ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ध्यान रखो मैंने x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 थीटा माना था, ठीक है ना, मैंने बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे उसे ना, इसलिए बोला मैंने और अब कर दिया मैंने। देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से इस पर फोकस करोगे अगर आप, तो आप पाओगे कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू t रखा जाए तो cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो आराम से आप बोल सकते हैं कि हाफ cos थीटा d थीटा तो आपका dt हो गया, नीचे की चीज़ आपने t मानी थी तो t की पावर 3/2 हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि t की पावर -3/2 dt का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इतना हो गया हमारा, ठीक है ना, इतना हो गया, समझ में आ रही बात है, अब तो कुछ मुश्किल नहीं है, t की पावर -3/2 में एक बार +1 कर दो और एक बार नीचे पे +1 कर दो, प्लस कांस्टेंट कर देना, ये हो जाएगा हाफ t, t की वैल्यू रख दो आराम से, sin थीटा आपने सपोज किया था t, देख लेना
तो साइन थी थोड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स, अच्छी राइटिंग भी नहीं हो रही, बेकार सा हो रहा सब कुछ है ना देखने में। मैं इसे थोड़ा सा जगह बनाता हूँ इसके लिए, इसे हटा रहा हूँ इसे, ठीक है। देखना जरा, देखना स्टूडेंट्स आराम से, हाफ हाफ रहा टी आपने, क्योंकि साइन थीटा सपोज किया तो साइन थीटा की पावर कितना बच गया, 1 - 3/2, यानी कि ये हो गया आपका माइनस हाफ हो गया ना। हाँ, नीचे पे बच रहा है आपका, देखो इधर देखो, यहाँ से यहाँ गया तो 2 - 1 = 2, तो 2 - 3 - 1/2, ये भी -1/2 बचा, इसके 2 ने इसके 2 को कैंसिल कर दिया, प्लस सी बचा। देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव का साइन बच रहा है ये वाला, और 1/√ साइन थीटा बच रहा है, प्लस कॉन्स्टेंट, इसके अलावा तो नहीं बच रहा कुछ। तो इतना स्टूडेंट से हमारा आंसर है, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना इसका। 1/√ cos x थीटा कहना चाहो तो कह लेना, सॉरी, 1/√ cos x थीटा कहना चाहो तो भी कह सकते हैं आप, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, जरूर कर लेना इसे, ठीक है ना। बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता आपसे। देखना जरा एक नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन दोबारा से, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ना अभी के लेक्चर का। साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा ओवर, इस पैटर्न में अभी जो 2019 के 10th क्लास के स्टूडेंट थे उनका क्वेश्चन बना था इस तरह का। थीटा नहीं बोल के इसे एक्स ही बोल लेता हूँ, क्योंकि एक्स पे ही मतलब उनका उनके लेवल में बना था, ट्रिगोनोमेट्री का, इंटीग्रेशन का नहीं बना था। साइन 8x माइनस कॉटेज, ये ठीक है, हाथ थक गए मेरे, साइन 8x माइनस कॉस 8x इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। आप सोचो स्टूडेंट्स की क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। देखो मैं जो बता रहा हूँ वैसा ही करना, इसके पैटर्न के हिसाब से करना, ठीक है, क्वेश्चन को, मतलब कुछ भी मत करते रहना, आपको क्वेश्चन देखकर ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है इसमें। जैसे मुझे समझ में आ गया, एक बार देखो जरा आराम से, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेट नहीं कर रहा, कुछ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये डेफिनेट आंसर देगा अभी अपना एक। इस बार ऐसे क्वेश्चन आया था एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट मतलब कर सकते हैं इसे सॉल्व, पता है आपको। तो देखो कैसे ये, क्योंकि ना इसे आप ऐसा बोल सकते हैं ना, साइन 4x माइनस साइन 4x का स्क्वायर माइनस कॉस 4x का स्क्वायर, क्या हुआ, अगर आप थोड़े के लिए ए कहने से थोड़े के लिए बी कह ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन 4x आपका ए था प्लस बी यानी कि ये है ना, और ए माइनस बी यानी कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, वो चीज़ ही तो इसी की कुल है। तो उसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं, इनको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो साइन 4x प्लस कॉस 4x जो लिखा हुआ है, देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, साइन 4x प्लस कॉस 4x, असल में अगर मैं इसे ऐसा कहूँ कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और का होल स्क्वायर, जरा समझना कोशिश करना, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी कि क्या हुआ, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर यानी साइन 4x ये बना प्लस बी स्क्वायर यानी ये बना, लेकिन इसके साथ स्क्वायर करने में एक चीज एक्स्ट्रा बननी है, उसका नाम है प्लस 2ab यानी प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी बन रहा है इसको ओपन करके। अगर मैं ये कर दूं, मुझे एक बात बताएंगे आप जरा ध्यान से, ये चीज ना किसके इक्वल है, क्या मैं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली ये चीज इसके इक्वल है, क्योंकि ये ए स्क्वायर बनाएगा यानी साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तभी मैंने माइनस कर दिया ताकि वो कट जाए प्लस 2 वाले से, तो सिर्फ ये इतना ही बचे, ये है बात। ये 10th वाले भी कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, थोड़ा सोच लेना इस पर अगर दिक्कत हो रही है तो। यहाँ ये हो गया, तो इस पर दोबारा से आप चाहो तो इसको ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि देखो साइन 4x को आप बोल सकते हो ना साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, देखो क्या लिखा था, साइन 4x माइनस कॉस 4x ना, आप समझ सकते हैं ना कि इसको कोई कोई ऐसा भी तो बोल सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ये ए प्लस बी यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ठीक है। अरे ये तो आप जानते हैं वन होते हैं,
तो ये वन हो गया माइनस, प्रॉब्लम में था ना ये, मैं सोचना कि हमने इंटीग्रेशन में अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा अच्छा पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं ठीक है ना कि इन्हें करना चाहिए ही चाहिए कि स्टूडेंट को। ये भी वन हो गया, वहाँ से साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या कुछ होता है, हाँ होता है, लेकिन वो ये होता है, आपने अगर कभी पढ़ा हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, तो वो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, इतना हम जानते हैं, बहुत बेसिक कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये तो ये चीज़ है, यानी नेगेटिव ले लोगे तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स, यानी ये चीज़ जो है नेगेटिव ऑफ कॉस टू एक्स के इक्वल है, यानी ये तो वन हो गया, तो वन इंटू कुछ भी कर लो तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको हटाए तो समझ लो, तो ये माइनस कॉस टू एक्स बन गया, ये यानी इस चीज को आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आपके हाथ लगा, लगा कि नहीं लगा, बस इतनी सी बात है, इतना टेंथ क्लास वाले कर सकते हैं, लेकिन आगे का छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है। आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन में इस चीज को आपने सिंप्लीफाई करके बोला कि ये चीज ये है, यानी माइनस कॉस टू एक्स टाइम्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, देखना चाहिए आपको, ब्रैकेट में लिखा मैंने वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेम यही तो लिखा उठा के डी एक्स लगा दिया ऐसे कर। देखो आप मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें आता है एग्जाम में, ठीक है ना, ये यही होता है इसमें, ठीक है ना, कुछ नहीं, पहले से ही शुरू हो जाओगे आप करने में, कुछ नहीं कर पाओगे, आराम से सिंप्लीफाई करना है इसे, अरे इसके लिए करा होना जरूरी है एक दो बार ना स्टूडेंट को, वरना कहाँ से आएगी सोच। अब देखो जो बचा हुआ ऊपर सिर्फ बचा माइनस का कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, किसने कहा ये मुश्किल इंटीग्रेशन है, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं साइन टू एक्स होता है पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव तो पहले का है, तो साइन टू एक्स ही रहा बचा हुआ, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टू आएगा, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है तो वो टू नीचे जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर है माइनस हाफ साइन टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, सब कुछ सही करा हुआ मैंने, ठीक है, ये ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये आना ही आना चाहिए एक मैथमेटिशियन को, तो जैसे कभी मैंने आपको बोला ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी लिख सकता हूँ, अगर आप समझ के मेरी बात बहुत बढ़िया, क्योंकि उसी से लिंक था, बाकी मैं नहीं बोल रहा ज़्यादा उस पर, सोच लेना थोड़ा सा स्पीड कम कर कि मैंने बोला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, वही होता है ना, यूज़ होता है ये भी टेंथ क्लास में भी हो जाता है कभी कभी। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, साइन क्यू एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ये इसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया, करने का तरीका हमेशा यही जो मैं कर रहा हूँ, डी एक्स ओवर, आराम से यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी मत करना गलती से भी, साइन क्यूब एक्स लिखो आराम से, और इसमें भी इजी मतलब इसको भी ऐसे करो, क्योंकि ना फिर इसको पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर दो तब इंटीग्रेट कर लेना, क्योंकि फिर बार बार इंटीग्रेट इंटीग्रेट लिखना पड़ेगा, इसे अच्छा सीधे इसको पकड़ के लाओ और इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ले, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, देखो आराम से साइन क्यूब एक्स साइन ए प्लस बी क्या होता है, देखो नोट भी कर लो जिसे नहीं भी आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देख लो आराम से, सारे के सारे मैंने इसको ए सपोज किया, इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सब जानते हैं, थोड़ा सॉल्व करने वाली बात हो गई इसे, थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन क्यूब को, साइन क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन फोर एक्स बन जाएगा और एक कॉस ए हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट टाइप नंबर है ना क्योंकि ए, जब साइन क्यूब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब एक्स और एंड कॉस एक्स साइन ए बचेगा, आराम से समझ में तो आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है ये बचा, देखो बिल्कुल यही करना है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन को करने के, सभी खतरनाक क्वेश्चनों में से एक है जितने कराए मैंने आपको, ठीक है ना, ये एज अ हॉट क्वेश्चन है, सोचोगे थोड़ा देर बैठ के आप भी कर लोगे पक्का, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एकदम बिल्कुल टाइमिंग लेना करने में, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करो, इस पर प्रैक्टिस करो फिर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन फोर एक्स को कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि सारा काम यहीं से होगा, साइन फोर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, साइन फोर एक्स को जैसे ही मैंने कॉमन लिया,
अच्छा चलो देखो आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। साइन फोर एक्स को मैंने कॉमन लिया ये, तो यहाँ क्या बचा, कॉस ए बचा, और यहाँ से क्योंकि मैंने साइन फोर एक्स कॉमन लिया, लेकिन इसके पास साइन फोर एक्स तो है नहीं, तो कैसे बना होगा ये साइन फोर एक्स, जब इसको साइन एक्स से डिवाइड भी किया होगा और साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी किया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अब ये साइन फोर एक्स बन गया, क्योंकि साइन फोर एक्स और नीचे वाला साइन एक्स वापस साइन क्यूब एक्स बन जाएगा, तो इसको जब बाहर निकाला होगा अंदर ये बचा हुआ चीज़ है, कॉस अपॉन साइन इज व्हाट, कॉट एक्स साइन ए, ये थी इसकी चीज। साइन फोर एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आकर सिर्फ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, साइन स्क्वायर एक्स इन स्क्वायर रूट, आपके पास जो क्वांटिटी बची है वो है कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, यानी कि साइन ए कॉट एक्स, साइन ए कॉट एक्स लिखा है, दिखना चाहिए आपको, ये हो गया, यानी इस चीज को आपने ये बोला। अब देखो क्वेश्चन हो गया इसे खत्म, ठीक है ना, कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं ऐसे मैंने कह दिया, जो प्रॉब्लम है मत आना, बिल्कुल जितने करा रहा हूँ इतने बाय हार्ट कर लो। डीएक्स पेपर कभी हार्ड बन गया तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखो हमने स्क्वायर रूट के साथ ही सॉल्व किया, इस कंप्लीट क्वांटिटी को स्क्वायर रूट के साथ ही सॉल्व किया, तो स्क्वायर रूट मुझे अलग से नहीं लेना, हाँ मतलब ये चीज़ आ गई, ये हो गया, और वो जो चीज़ बाहर निकली थी साइन स्क्वायर एक्स उसे ऊपर ही भेज देता हूँ बोल के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कि वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, समझ में आ रही है बात, ये होल चीज़ ना विद स्क्वायर रूट ही तो ये है, तो लिखी मैंने, अब कुछ नहीं है इसमें। अब ना इस होल थिंग को अगर आप थोड़ी देर देख लिया, देखो गलत नहीं बोल सकते आप इसमें कुछ भी है, और वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके, वरना खट 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 हो सकता है क्वेश्चन, आप गलती कहीं नहीं बोल सकते कि गलत किया हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा अप टू द लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको थोड़ा सोचना जरूर पड़ेगा इसमें, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सोच कर दिमाग लगाएंगे, नहीं प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। कॉस ए ये है, डिफ्रेंशिएट करूँगा, कॉस ए कॉन्स्टेंट टाइप नंबर है क्योंकि ए तो जीरो, साइन ए कॉन्स्टेंट नंबर है तो बाहर आ जाएगा ऐसे कर, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हर कोई जानता है कि जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, वैसे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। dx is equal to dt, ये आया, ये हो गया, आराम से i is equal to cos x square x को वैसे का वैसा ही रहने दो, अच्छा dx के प्लेस पे वैल्यू रखना स्टार्ट। अच्छा एक बात अच्छी सी समझ में आ रही है, क्यों फालतू का इसे बड़ा है, देख के समझ में आ रहा है कि cos x square x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो cos x square x dx यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो cos x square x dx can be written as, ये चीज ना नेगेटिव था क्या ही? कि मिनट से लग गया गलती से, नहीं नहीं था कॉट का डिफर, तो ये नेगेटिव साइन के नीचे आ गया, ठीक है मेरी बात समझ तो लो आप, ये चीज़ है ना, ये चीज़ तो ये है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी अपॉन दिस, तो डी टी अपॉन दिस विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट के होल क्वांटिटी को तो आपने टी सपोज किया था, आपके सामने सारी बात, स्क्वायर रूट के होल क्वांटिटी को टी सपोज किया था, हो गया काम, अब क्योंकि साइन ए के साथ कुछ मत छेड़छाड़ मत करें, कांस्टेंट नंबर है, हाँ इतना बोल लो चाहो तो कि माइनस का कॉस ए के बोल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइनस था ऊपर से। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये टी की पावर माइनस हाफ डी टी टाइप हो गया, अब एक मामूली सा इंटीग्रेशन है, आपको समझ में तो आ रहा है लिखा हुआ सब कुछ। देखो स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू क्या बचा, मैं बताता हूँ, माइनस का कॉस ए, और इंटीग्रेशन हो चुका है क्या, नहीं हुआ इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन तो कहाँ हुआ अभी, इंटीग्रेशन नहीं हुआ ना अभी, उस इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, ठीक है, वहाँ पर ये जैसे लगा था ना वही तो हुआ, इंटीग्रेशन करना है टी की पावर माइनस हाफ डी टी का, ठीक है। अब आराम से करते हैं, आई इज इक्वल टू हो गया माइनस का कॉसिक ए, टी की पावर माइनस हाफ कितना होगा, माइनस हाफ प्लस वन इज व्हाट, हाफ प्लस का हाफ, माइनस हाफ प्लस वन ना, तो कितना बचना, ये आपके सामने है, बस टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ गया, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ गया, और देख लें जरा टी की वैल्यू थी क्या, तो मैं हटा देता हूँ सबको, आराम से समझे भी होंगे आप बात को ना, आई इज इक्वल टू माइनस कॉसिक ए, हाफ है वो ऊपर जाके टू बन जाएगा, टी की पावर प्लस हाफ, टी गया कहाँ, टी है ये आपका आंसर, लेकिन एक अच्छा काम मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर,
मतलब एक अच्छा सा काम हो सकता है यहाँ पर, इस चीज में ना काम हो सकता है, दिखाऊं कि आपको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये आंसर बिल्कुल बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा अगर चाहो तो इसे ऐसा लिखोगे ना बहुत बढ़िया माना जाएगा, टीचर को बहुत मजा आ जाएगा, इसमें उन्हें देने पड़ेंगे नंबर लेकिन इसमें तो मजा ही आ जाएगा ये अगर आप कर लो तो। देखो जरा ध्यान से समझना, कॉस से बहुत अच्छी चीज़ है, साइन ए कॉट एक्स को क्या बोलोगे आप, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी लास्ट वाली, ये एक आइडियल स्टूडेंट बनाएगी आपको, ठीक है ना। ये कॉस ए लिखा, साइन ए लिखा, कॉट एक्स को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, साइन एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे करके, तो आई इज इक्वल टू जो आ रहा है माइनस का टू कॉस ए के, वो तो सही है। यहाँ क्या क्या बच रहा है देखिए, जरा आराम से देखिएगा, जो जो बच रहा है उसे देखना, ठीक है। साइन एक्स मल्टीप्लाई व कॉस ए के साथ प्लस यहां पर बच गया साइन ए कॉस एक्स प्लस कॉस टू और होल अपॉन में साइन एक्स बच गया। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है आपको, मेरी बात सुनना प्लीज, एक बात सुनिए जरा। अगर मैं एक्स को थोड़ी देर के लिए ए कह दूं, इस ए को मैं थोड़ी देर के लिए बी कह दूं, तो ये वाला एक्स भी डेफिनेटली ए होगा और ये वाला ए भी डेफिनेटली बी होगा, यानी ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वही हो गया जिसे हमने शुरुआत में खोला था, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी दैट मीन्स एक्स प्लस ए और अपॉन में उनके साइन एक्स बी ए स्क्वायर रूट के अंदर। दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये है इसका आंसर, कॉसेक ए है, ठीक है, समझ में आई बात, ये है बस, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। यानी काम की चीज़ बताऊँ क्या थी यहाँ पर, कहाँ पर थी काम की चीज़, हाँ इसमें काम की चीज़ सिर्फ वो थी, वैसे जो भी है आप देख लो सब कुछ आपके सामने है, वो जो साइन फोर एक्स को हमने साइन फोर एक्स को बाहर निकाला वो काम की चीज़ थी, जबकि वहाँ साइन क्यूब एक्स भी था लेकिन हमने फिर भी साइन फोर एक्स को बाहर निकाला, वो काम की चीज़ थी, उसे पकड़ के रखना, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, अभी इंटीग्रल्स के, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने आपका सब में कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके वहाँ से कराऊँ। अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, वीडियो लेक्चर को लाइक करना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, ठीक है ना। और बाकी जो इसके बाद के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरी बुक से आपको, तो हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपना आई थिंक हमारा नंबर 8 होगा रिविजन सीरीज का वो लेक्चर, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।